खबर जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से है, जहां पंत नगर थाना पुलिस ने भाजपा नेत्री से बेटे के साथ मारपीट करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि भाजपा नेत्री मधु राय के बेटे पीयूष राय भाटिया पर बीते दिनों जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने भाजपा नेत्री के पति मोहन राय की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया था। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर मारपीट की घटना को अंजाम दिलाने वाले विक्रांत फुटेला, अक्षय फुटेला समेत कपिल हुडिया, विकास गुप्ता को गिरफ्तार किया है, जबकि घटना को अंजाम देने वाले अविनाश यादव समेत अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। वही पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। भाजपा नेत्री के बेटे से मारपीट के आरोपी गिरफ्तार। भाजपा नेत्री से जो भी आरोपी उनके बेटे से मारपीट किए थे घर में घुस के, उसको पुलिस प्रशासन ने हिरासत में ले लिया है। राय के द्वारा एक तहरीर दे के अवगत कराया गया था कि उनके पुत्र के साथ कुछ लोगों द्वारा बर्बरतापूर्ण मारपीट की गई है, तो इसमें मेडिकल में भी गंभीर चोट होना प्रकाश में आया था, तो उसी आधार पर जो है सुसंगत धाराओं में अभियोग इसमें पंजीकृत किया गया था। तो इसमें इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो है चार लोग जो इस षड्यंत्र में शामिल थे उन लोगों की अरेस्टिंग की गई है, और पांच लोग जो मेनली इस हमले में शामिल थे, जो कि सीसीटीवी फुटेज के बेस पे और जो मैनुअल इंटेलिजेंस के बेस पे जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है, वो लोग अभी फरार हैं। उनकी भी गिरफ्तारी के लिए लगातार हम लोग दबिश दे रहे हैं, और वो भी अपनी लगातार जो अपना लोकेशन है, अपनी जो मौजूदगी है, वो छुपाए हुए हैं। तो उसमें हम लोग माननीय न्यायालय से भी उनके विरुद्ध गिरफ्तारी अधिपत्र प्राप्त करके अग्रिम कार्रवाई भी उसमें हम करेंगे। मुझे घटना के कारणों की इसमें जांच की जा रही है। बेसिकली ये पुरानी रंजिश के कारण जो है वो घटना करना प्रकाश में आया है, और ये दोनों ही जो अरेस्टेड हैं क्रिमिनल्स और जो फरार हैं, इन लोगों के अभी इनके आपराधिक इतिहास की भी जानकारी की जा रही है, और इनके आपराधिक इतिहास के आधार पर भी हम लोग आगे की इन्वेस्टिगेशन करेंगे।